पिछले दिनों आपने देखा होगा सर, गुरु रविदास जी का मंदिर जिस तरह से तोड़ा गया, मतलब कितनी शर्मनाक बात है। सारे सरकारी दस्तावेजों में क्लियर लिखा हुआ है कि वो जगह हमारी थी, हमारा मंदिर था, आज़ादी से पहले से था, जमाबंदी में फर्द में नाम लिखा हुआ है, उसके बावजूद उसको अवैध बता के जिस तरह तोड़ा गया। एक तरफ आप मंदिर बनाने का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हो और आपके वकील आर्ग्यू करते हैं हमारी आस्था ही प्रमाण है। आपकी तो आस्था प्रमाण है, हमारे दस्तावेज की प्रमाण नहीं है। आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको सम्मान करना पड़ेगा और मैं यहाँ आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोग अपने अंदर भरोसा पैदा करें। आपके अंदर प्रतिभा कूट कूट के भरी है, आप अपने अंदर भरोसा पैदा करें, मेहनत करें और हमें किसी प्रकार के असंवैधानिक तरीकों को अपनाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के अहिंसा के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध हमारे सामने हैं, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलकर दुनिया को जीतने का काम किया। और बाबा साहब ने तो अपनी कलम से, अपनी विद्वता से, बिना कोई हिंसा किए 4000 साल की गुलामी से हमारे लोगों को आज़ादी दिलाई, इस देश की महिलाओं को आज़ादी दिलाई, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो सिख धर्म बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, केवल 550 साल पहले गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था और आज उसके 550वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं। तो 525 साल को कुल ही हुए सिख धर्म को, 1400 साल पहले इस्लाम हुआ, 2019 साल पहले ईसा मसीह हुए, उसके बाद ईसाई धर्म बना। तो दुनिया में सबसे पुराने धर्मों में बौद्ध व जैन धर्म है, जिनको लगभग 2500 साल से ऊपर हो गए, और उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो जब आर्यन सेंट्रल एशिया से भारत में आए लगभग 4000 साल पहले, उन्होंने सनातन धर्म बनाया। उससे पहले भी तो इंसान थे, जो मूल निवासी थे उनकी हड़प्पा संस्कृति थी, जो पूरी दुनिया की सबसे विकसित संस्कृतियों में से एक है। तो हम तो उस संस्कृति के हैं, हमारे वंशजों ने सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किया। अपने इतिहास को पहचानो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने गौरवशाली इतिहास को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं रहे, हम अपने आप को कम कर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आप कम कहना ज़्यादा समझना, ये मंच लंबे चौड़े भाषण का नहीं है, सिर्फ मैं आपको चाहता था कि आप सब लोग अपने ऊपर भरोसा रखें, मेहनत करें और मेहनत करके आगे बढ़ें, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।